सोचा आज मैं बनाती हूँ फ्रेंच फ्राइज। वेरी वॉर्म एंड फ्रेश मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम टू हर्षीज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग का प्यार, आप सब लोग का आशीर्वाद ऐसे मुझे बना रहे हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग से काफ़ी प्यार दे रहे हो और मुझे यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को मेरी वाली डिश बहुत पसंद आई होगी। और गुलाब जामुन देख के बहुत तक मैं पानी पे आया हूँ क्योंकि ऐसा तो कन्फर्म है कि मैंने जब ब्लॉग देखा तो मेरे मुँह में खुद फर्स्ट टाइम पे पानी आया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक खाया, एक ज़्यादा नहीं खाया। सो आज मम्मी बना रही है नाश्ते में कुछ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो सब खाते हैं और सबको पसंद होता है। खासकर जो हम जैसे गाँव के जाते हैं तो वहाँ अधिकतम वही चीज़ें खाते हैं। सो आप लोग को बना दिखाते हैं मम्मी क्या बना रही है। तो बनाते हैं नाश्ते में, नाश्ता ही करते हैं। दिन का खाना तो हम खाते नहीं है, नाश्ते में खा लेते हैं। सो आप लोग को भी दिखाते हैं। सो फैमिली आज नाश्ते में बनी है शिमला मिर्च की सब्जी और कड़ी। यही बता रही थी मम्मी कि सभी लोग खाते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। और ये है रोटी और ये सैलेड और अभी चावल भी बना है। सो फैमिली सभी को मैंने खाना दिखा चुका था, सब खा रहे हैं खाना। पापा यहाँ पर खा रहे हैं, मम्मी यहाँ पर खा रही है और इसमें बना है चावल्स। तो यहाँ पर कड़ी चावल्स, आप लोगों को भी खाने तो आ जाओ। और इसको देखो हमें खाना खाने लग गया, इसको देखो। Thousand years later. So family, ये हो चुका है हमारा इवनिंग टाइम और इवनिंग टाइम पे चाय वगैरह बनती है, सभी को पता है। और दिन के टाइम पे वैसे ही था क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा घर का काम होता है, झाड़ू पोछा सभी को पता है, बर्तन वगैरह। सो उसका क्या लॉग डाना है, इसलिए मैं उस चीज़ को कैप्चर नहीं करती हूँ। सो अभी शाम के टाइम पे इवनिंग टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ फ्रेंच फ्राइज। और फ्रेंच फ्राइज की मेरे पास जो है जिससे मैं बनाऊँगी वो भी मेरे पे है, ये है। होप सो आप सभी को पता होगा क्या है कि तो ये मेरे पास है। इससे कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ और कैसे कैसे करके क्या फ्रेंच फ्राइज बनते हैं और कैसे टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बनाए थे, अच्छे हुए थे, उस टाइम पर कम बनाए थे। सो अभी देखते हैं हम कितने बनाते हैं और कैसे बनते हैं और मम्मी लोगों को, भाइयों लोगों सबको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। सो आप लोग भी देखते रहो और आप लोग आगे देखते रहे कि, और लास्ट में आप लोग बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइस ये मैंने कर रखे हैं आलू छील रखे हैं, ये मैंने छील रखे हैं आलू, जैसे नॉर्मल हम छीलते हैं सब्जी वब्जी के लिए। तो ये आलू छील चुके हैं और ये है मशीन, तो जिससे मतलब मशीन क्या है, ये हैंड वाली मशीन है जिससे करते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है अंदर से और यहाँ से कुछ ऐसा होता है और इसको कैसे करेंगे और मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने चार ही आलू लिए, चार आलू से काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। सो चार आलू ले रहे हैं और इसको हम रखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखना है और ऊपर से उसको आएंगे। सो आप लोग देखते रहो भी ऐसे और ये आते हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज ऐसे इस मशीन से, देखो। सो ये बन जाते हैं, बहुत इजी मशीन है। इसके ऊपर आपने सीधे ऐसे आलू को रखना है ऐसे और फैमिली। फिलहाल हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो हमारे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि निकाल के, अभी हमने रख दिया है पानी और इस पानी में अभी हमने उनको कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ऐसे हमने काट के रखा हुआ है। जैसे अभी मतलब जो हमने निकाल रखे हैं मशीन से वो निकले हैं अभी सीधे। और अब हमें इसको स्टार्च हमें निकालना है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है और इस पानी में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद उस पानी में हम इनको डाल देंगे हल्का थोड़ी देर, मतलब लगभग 30 सेकेंड तक इसको इनको इसमें रखेंगे और उसके बाद इसको इसमें से निकाल देंगे। सो अब इसको हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना, उसके बाद इसमें डालना। सो हमारा पानी हो चुका है गर्म और इसमें हम डाल देंगे हमारे फ्रेंच फ्राइज। देखो आपको चिड़चिड़ की आवाज़ आई होगी क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। और इसके बाद थोड़ा सा इसको स्पून से घुमाएंगे और 30 सेकेंड बाद इसको निकाल देना है इस पानी में से, ठीक है। हाँ स्टार्च सिर्फ इसलिए, मेन इसलिए होता है कि जो इसका स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है, जो फैट वो कराता है, इंक्रीज कराता है, उसको निकालना होता है मेन। तो ये जो वाइट टप का जो पानी सा होता है ये स्टार्च ही है सारा, आलू का स्टार्च निकल जाता है। सो अब इसको इसमें से निकालेंगे थोड़ा सा 30 सेकेंड बाद और हम उसके बाद इसको सीधे डालेंगे हम टिश्यू पेपर के ऊपर इसको सुखाने के लिए। सो फैमिली यहाँ देखो ये पूरा झाग सा आ चुका है, पूरा स्टार्च है जो इसमें आया है। सो इसको हो चुके हैं 30 सेकेंड्स और इसको हम इसमें से रिमूव कर देंगे और अब सीधे हम इसको टिश्यू पेपर में रखेंगे, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो फैमिली यहाँ देखो मैंने ये धो चुके हैं पानी से एक बार, और जो आपकी छन्नी टाइप की होती है उसमें धो देना है इसको, वहाँ गर्म पानी से निकालेंगे। और ये मैंने टिश्यू पेपर यहाँ पर लगाए हुए हैं, टिश्यू पेपर में इसको खाली कर देते हैं क्योंकि इसको हमें सुखाना है।
इसलिए हम इसको टिश्यू पेपर में खाली कर देंगे और इसको ना ऐसे फैला देना, टिश्यू पेपर में खाली करने के बाद कैसे लहसुन हमें फैला देना पूरा, ताकि आराम से सूख जाएगी। फिर एक टिश्यू पेपर ऊपर से हमें ऐसे लेना जैसे मैंने रखा है, इससे क्या करना है हमें सोखना है इसको, तो इतना पानी है इसमें तो टिश्यू पेपर हमारा सब गीला हो ही जाएगा और हो सके क्या फट भी सकता है। अगर जब तक ठीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दूसरी तरफ से इसको पोंछ देना है। सिर्फ इसलिए लेना है क्योंकि टिश्यू पेपर जो होगा इसका जैसे ऑयल सोखता है वैसे इसका पानी भी सोख देगा। सो हमें इसको ऐसे प्रेस करके पूरा हमें कोशिश ये करनी है कि ये सूख जाए जल्दी। और अगर जैसे हो ही गया लगभग तो इसको हम ऐसा बनाएंगे जब ये फट ही चुका है, ऐसा ऐसा करके सूख जाएगा आराम से जल्दी। सो फैमिली ये हो चुका, ये सूख चुका है। अब इतना तो नहीं सूखेगा कि बिल्कुल ही खरखरा हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, उस टाइप का तो नहीं होता क्योंकि आलू में अपना पानी रहता ही, वो पानी थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। बस ये होता है कि जो पानी निथर रहा था, जो बिल्कुल अलग सा आ रहा था, वो हट जाता है टिश्यू पेपर लगाने से। तो ये है चावल का आटा जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, मैंने चावल मिक्सी में पीसा है और इसको इसके ऊपर से डालेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा डाल देंगे, हल्का हल्का ऐसे बुरबुरा देंगे, मतलब हल्का का डाल देंगे वो, इसलिए क्योंकि चावल का आटा जो होगा इसको एक तो सोख देगा, जैसे पानी होगा उसको सोख देगा, और दूसरी चीज़ इससे बहुत क्रंची बनते हैं। सो इसको हम ऐसे डालेंगे जैसे ऐसे करके, और चावल के आटे को जितना हो सके बारीक ही बनाना। यानी कि आप दरदरा छोड़ दोगे ऐसे करके, सबके ऊपर जाना चाहिए पूरा। सो फैमिली देखो मैंने प्लेट में इसको डाल चुका है और चावल का आटा आपको दिख ही रहा होगा इसमें। सो अभी ना ये काफ़ी हद तक सूख चुका है, ये चावल का आटा सोख देता है इसको। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ठंडे होने के लिए, 10 मिनट बाद आपको फ्रिज से निकालने के बाद तब दिखाते हैं। सो फैमिली अभी हमने फ्रिज में रख चुका है उसको, और अभी मैं 10 मिनट बाद उसको निकालूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब उसमें और क्या करना है हमें। अगर हमें मसाले वाले बनाने तो उसके लिए हमें पहले ही नमक मिर्च डाल के तब फ्रिज में रखना है उसको, ठीक है। नमक मिर्च, नमक तो नहीं, क्या नमक तो लास्ट में पड़ता है जब हम उसको तल देंगे, उसके बाद मिर्च हो गया, हल्दी वगैरह सब कुछ, और आपको और भी चीज़ें पड़ती है कि मैं मसाले वाले तो बना नहीं रही हूँ, मुझे सिंपल पसंद आते हैं। मसाले वाले ना थोड़ी सी जलन करते हैं तो उसको मैं बनाती नहीं हूँ, तो मैं सिंपल बना रही हूँ। इसलिए मैं अभी ना खाली नॉर्मल जो आपको दिखाया है सेम वही प्रोसेस करके फ्रिज में रख चुका है, अभी निकालूंगी उसको। उसके बाद तलने से पहले जब आपको दिखाएंगे, उसके बाद तलेंगे, उसके बाद आप दिखाएंगे कि कैसे और करना है, और सर्विंग प्लेट तैयार करके आपको ज़रूर दिखाई जाएगी इसको सर्व कैसे किया जाता है। सो आप लोग भी उसके बाद बनाना उसको घर पर, ठीक है। सो फैमिली मैंने फ्रिज से निकाल चुके हैं और ये अच्छे खासे हो चुके हैं, देखो जैसे आप देख रहे हो इसमें पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है चावल का आटे को, और ये अभी अच्छे खासे, अब इनको हम तलेंगे। और ये मैंने प्लेट रेडी कर चुकी है, तल के इसमें निकालेंगे, सो आप लोग को भी दिखाते हैं। सो फैमिली अब मैंने कढ़ाई रख चुकी है और मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, बेनिफिशियल भी होता है, रिफाइंड से अच्छा होता है सरसों का तेल। पर सरसों के तेल में बस ये होता है कि थोड़ा सा तेल को जलाना पड़ता है, थोड़ा कटोरी में बचा था वो डाल दिया मैंने इसमें, कल का था या परसों सरसों का था जब कभी था ये, तो ये तो मैं डाल दिया। इसमें पड़ेगा थोड़ी सी कमी, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें, सो इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं क्योंकि अगर ये गर्म नहीं होगा तो इसकी स्मेल आएगी, सो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो मेरी तेल हो चुका है, पक चुका है तेल, आपको दिख रहा होगा धुआं निकल रहा है, तो मैं सबसे पहले एक डालूंगी इसमें। सो एक इधर डाल चुका है, इसको हल्का हल्का, हमने ज़्यादा काला नहीं करना है, हल्का हल्का बस। ये हो चुका है देखो, ऐसे करना है, एक ये बन चुका है, इसको हम रखेंगे भगवान जी के लिए। सो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और गैस को हमने कर दिया कम, और फिर से हम खोलते हैं फैन। सो अब हम डालते हैं और भी, thank you।
सो फैमिली देखो एक बारी के तो बन चुके हैं, अभी इसको हम ऐसे रखेंगे टिश्यू पेपर में, सारे निकाल दूंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो हमारे फ्रेंच फ्राइज पूरे तल चुके हैं और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे ऐसे करके पूरा ऊपर से ऐसे ऐसे डाल देंगे, तो उससे क्या होगा पूरे उसमें चल जाता है वो नमक, और वैसे भी हल्का हल्का नमक होता है इसमें, ज़्यादा नमक होता भी नहीं है, तो हम हल्का हल्के डालेंगे इसको, ऐसे ही रहने देंगे थोड़े थोड़े देर बाद हो जाएगा। और इसको मैं आपको सर्विंग प्लेट करके तैयार करके दिखाऊँ। सो फैमिली अभी बन चुके हैं, भैया को टेस्ट कराते हैं कैसे हो रहे हैं, खा के देख। फ्रेंच फ्राइज मस्त हो रहे। अब मम्मी को टेस्ट कराते हैं, मम्मी क्या बताएंगे। वो लाइट नहीं आ रही थी ना, भैया ज़्यादा ही काला हो गया था ना। मम्मी चूस से खाएगी, सबसे बड़ा होगा वो खाऊंगी मैं। बढ़िया हो रहा ना, मैंने पहले टेस्ट कर लेते बता आपको, झूठ भगवान हम काली माता का पहले दिन दो खा लेते मुँह में पानी। फैमिली सच बता रही होता है, मैंने इन लोगों को देने से पहले ही मैंने दो खा, मैं इसको ना सही प्लेट को अच्छे से डेकोरेट करी थी और मेरे मुँह में इतना पानी आ गया था, मतलब मैं जैसे डाइटिंग हूँ ना, मैं नहीं खा रही, मैं इन चीज़ को अवॉइड करूँ जितना हो सके, तो मन होता ना अंदर से मन बोलता है खा ले एक, खा ले खा ले, अगर एक तो खा ही लेते हैं देखी जाएगी मतलब जो होगा एक खाया ना। अभी एक्सरसाइज करने जाना, एक्सरसाइज करने जा रही हूँ तो व्लॉग को यहीं पर ओवर करते हैं। तो पापा तो ऑफिस गए हैं इसलिए पापा यहाँ पे अभी है नहीं, इसलिए पापा का हमने लिया नहीं है मैंने। तो ये आप लोगों को कैसी लगी मेरी अली रेसिपी आप लोग बताना, ये था इवनिंग जो ब्रेकफास्ट होता है ना उसकी बात है, हम चाय के साथ इसको खाते हैं। सो ये बन चुका है, आप लोगों को बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत से ईजी रेसिपी है, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप उसको वैसे भी काट सकते हो, नॉर्मल सी बात है आलू वैसे भी कट जाते हैं, मशीन है तो दो मिनट में निकलते हैं, सीधा आलू खट करके नीचे करो आलू निकल जाते हैं, सीधे फ्रेंच फ्राइज बन जाती है, और सीधे तलो दो मिनट में रेसिपी तैयार। ये टिफिन बॉक्स में ले जाओ कहीं ले जाओ, बहुत इजी है और डाइटिंग के टाइम पे भी आप इसको खा सकते हो, क्योंकि मेनली जो इसका स्टार्च होता है ना वो सारा जो उबलता है पानी उसमें निकल जाता है, तो ये इसको आप खा सकते हो क्योंकि जो मेन होता है आलू में स्टार्च होता है, तो स्टार्च तो सारा निकल गया, तो आप अभी इसमें कुछ भी नहीं है सो आप ले सकते हो मतलब डाइटिंग के टाइम में स्नैक्स की फॉर्म में। सो आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी आप लोग बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। सो आज का व्लॉग यहीं पे ओवर करते हैं, बाय बाय।